हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। राय यानी सलाह मशवरा, यानी कोई ऐसा काम जिसे करने में आप थोड़ा हिचकिचा रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपको सही रास्ता दिखाए। सियासत में भी सलाह मशवरा करने की जरूरत हर पार्टी नेता को पड़ती है। यहां देश की सरकारों को भी आपसी मतभेद को भुलाने के लिए या फिर किसी देश से मतभेद की हालत में ऐसे ही सलाह मशवरे की जरूरत होती है, क्योंकि एक सही सलाह सत्ता के कांटो भरे रास्ते को फूलों की बगिया बना देते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस समय अगर किसी को सलाह की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है अमेरिका, क्योंकि वहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं और अफगानिस्तान पर वो कोई फैसला लेने के लिए बुरी तरह से परेशान है। तो क्या अमेरिका ने किसी सलाह के लिए पीएम मोदी को अवार्ड दिया है? तो पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों की लिस्ट में एक और नगीना जुड़ गया है। अमेरिका के बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छता अभियान पर उन्हें पुरस्कार देने का फैसला किया है। खैर, इस मुहिम को लेकर देश विदेश में भी काफी सारी चर्चाएं रही हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि आखिरकार अमेरिका भारत पर इतना मेहरबान क्यों है। वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन इस लिस्ट में अफगानिस्तान का मुद्दा फिलहाल सबसे ऊपर है, क्योंकि इस एक मुद्दे के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप न जाने कितनी बार कश्मीर पर भारत पाकिस्तान के बीच समझौता कराने को तैयार हो गए थे। वो तो तब जाकर शांत हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी ने खुद ये आश्वासन दे दिया। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलेटरल हैं और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। अब हथियारों की सौदेबाजी भी एक मुद्दा हो सकती है, क्योंकि हथियारों को खरीदने के मामले में भारत अमेरिका से ज्यादा बाकी देशों पर ध्यान दे रहा है, खासकर रूस और फ्रांस पर। फ्रांस से राफेल और रूस से S-400 की खेप भी आने लगी है। इन्हीं हथियारों की बदौलत भारत रूस के काफी करीब हो गया है, जिससे अमेरिका को दिक्कत तो होगी ही। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर का सौदा करने में ज्यादा देरी भी नहीं की। Clarify your position on whether you will mediate on Kashmir, please. Well, we spoke last night about Kashmir, and the Prime Minister really feels he has it under control. I mean, they speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करने दीजिए, हम दोनों बात करते रहेंगे, जब जरूरत होगी आप लोगों को जरूर जानकारी पहुंचाएंगे। वैसे अगले साल होने वाले चुनाव भी ट्रंप को बहुत सता रहे हैं, खासकर इस वजह से कि उनके किए हुए कामों से अमेरिका की जनता कितनी खुश है। इसलिए भी ट्रंप चाहते हैं कि अफगानिस्तान का मुद्दा जल्द से जल्द सुलझ जाए, ताकि वो उस मुद्दे को वोट में तब्दील कर सके। लेकिन कश्मीर को लेकर भारत अपना फैसला बदलने की हालत में दिखाई नहीं दे रहा है। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir," because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. Along 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be. I mean, it's impossible to believe two incredible countries that are very, very smart with very smart leadership can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. कश्मीर पर भारत पाकिस्तान के बीच सुलह हो जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को ही होगा, क्योंकि फिर वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान को तालिबान से बात करने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन
भारत की जिद उसके लिए मुसीबत बन गई है। तभी तो वो अलग अलग तरीकों से भारत को मनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।